गाइस वेलकम टू आवर चैनल ग्रो ग्रीन्स। आज मैं आपको अपनी छत का एक ओवरव्यू देता हूँ। ये मैंने एक शेड बनाया था, ये पिछले साल बनाया था मैंने लॉकडाउन के टाइम पे। शेड मैंने खुद बनाया था। ये है मेरे बैंगन के प्लांट, देखो बैंगन आ रहे हैं इसमें। ये मेरा चीकू का प्लांट है, 2 साल का हो चुका है ये, 2 साल पहले लाया था मैं। अभी इस पर फ्लावरिंग हो रही है, चीकू भी छोटी छोटे हैं अभी। ये इस साइड पे सभी तुलसी लगी हुई है, ये सारी तुलसी हैं यहाँ। ये मेरा गुड़ैल का पौधा है, काफ़ी पुराना पौधा है। ये मेरे कॉलियस से मैंने लगाए हैं, कटिंग से लगाए थे ये मैंने। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कॉलियस कटिंग से कैसे लगाने हैं, ये भी मैंने कंटेनर में नहीं लगाए हैं। कुछ कॉलियस इधर भी लगे हुए हैं, ये देखिए गाइस, ये कॉलियस भी मैंने कटिंग से ही लगाए थे, काफ़ी बड़े हो गए हैं अब। ये मेरे गुलदावरी के प्लांट्स हैं सभी, देखो ये थोड़े दिन पहले बरसात आई थी उसकी वजह से थोड़े ख़राब हो गए हैं फ्लावर। मेरे डेंथस के प्लांट है, ये इसी के पीछे पिटूनिया भी लगे हुए हैं, ये वाइट पिटूनिया है, पर्पल। अभी कुछ भी फ्लावरिंग होनी स्टार्ट नहीं हुई है, जैसी हो जाएगी मैं आपको अपडेट दूंगा उसकी भी। ये मेरा कोकॉम है, ये देखो, देखिए इस कोकॉम का फ्लावर कितना बड़ा है, मेरे हाथ से भी बड़ा आ रहा है ये देखो। ये खुद ही उग गया है, इसके अंदर बीज अपने आप गिर गए थे इसके। विंटर की वजह से अभी सभी प्लांट्स की थोड़ी हालत ख़राब है, जितने भी मेरे परमानेंट प्लांट हैं सभी की भी हालत ख़राब है। ये मधुमालती की बेल है, पूरी सूख गई है अभी विंटर की वजह से, जैसी बरसात का मौसम आएगा वे ठीक हो जाएगी। ये मेरी बीन्स की बेल है, एक बीन्स भी आ रही है देखो इसके ऊपर, तो देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रो ग्रीन्स।